सलमान खान के पीछे कुछ न कुछ मुश्किलें लगी ही रहती हैं। ताजा मामला उनके फार्म हाउस के पास वाली जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसमें उनके पड़ोसी ने उन पर परेशान करने का आरोप लगाया है। जी हाँ, सलमान खान इन दिनों दबंग टूर में व्यस्त है और हाल ही में अपनी फिल्म रेस्त्री के लिए चर्चा में रहे, लेकिन अब एक नई मुसीबत से घिरते नजर आ रहे हैं। खबर है कि सलमान खान पर एक बुजुर्ग दंपति ने जमीन के लिए परेशान करने का आरोप लगाया है। खबरों के मुताबिक मुंबई के बुजुर्ग दंपति केतन कक्कड़ और उनकी पत्नी अनिता कक्कड़, जो 3 साल पहले ही अमेरिका से भारत शिफ्ट हुई हैं, अब पनवेल में अपना नया बंगला बनवाना चाहते हैं। लेकिन अब इस दंपति की माने तो पहले जब वो फार्म हाउस पर आते जाते थे तब तक सलमान खान उनके लिए अच्छे पड़ोसी बने रहे, लेकिन जब अमेरिका से लौटने के बाद वो यहाँ बंगला बनवाना चाहते हैं तो उन्हें परेशान किया जा रहा है। साल 1996 में कक्कड़ परिवार ने यह जमीन 27.5 लाख रुपए में खरीदी थी। खरीदते वक्त सलीम खान ने उसके लिए इजाजत भी ली गई थी। साथ ही कक्कड़ दंपति का आरोप है कि सलमान ने फार्म हाउस के पास गेट लगा दिया है, जिससे वो फार्म हाउस पर नहीं जा पा रहे हैं। कक्कड़ परिवार ने यह भी कहा कि वहाँ सलमान खान के घोड़ों के लिए लाइटें लगाई गई हैं, लेकिन उनके परिवार को बिजली उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। परिवार के मुताबिक जमीन का मालिकाना हक होते हुए भी वे अपना नया घर नहीं बनवा पा रहे हैं, साथ ही बिजली जैसे बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। कक्कड़ परिवार ने यह भी कहा कि वन विभाग के जिस अधिकारी ने इस बात सलमान के परिवार के खिलाफ आवाज उठाई थी उसका तबादला भी कर दिया गया है। जब उन्होंने इस पूरे मामले में फॉरेस्ट मिनिस्टर सुधीर मुनगंटीवार से मिलने के लिए न्याय मांगा तो उन्हें न्याय का आश्वासन दिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद सलमान खान सुधीर के साथ घर पे पार्टी करते हुए दिखे। कक्कड़ परिवार का कहना है कि सलमान और उनका परिवार रसूखदार है, इसलिए उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। सलमान और उनके परिवार पर लगाए आरोप कक्कड़ परिवार और उनकी वकील आभा सिंह के हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक सलमान खान और उनके परिवार या लीगल टीम का कोई पक्ष सामने नहीं आया है। तेज न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट।